भुवनेश्वर कुमार मात्र 19 साल की उम्र में सचिन तेंदुलकर को डक पर आउट करने के बाद सुर्खियों में आए, जो छोटे मास्टर के घरेलू प्रथम श्रेणी क्रिकेट करियर में पहली बार डक थे। भुवनेश्वर कुमार का जन्म 5 फरवरी 1990 उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में हुआ था। वह गुज्जर परिवार से ताल्लुक रखते हैं। भुवनेश्वर के पिता किरण पाल सिंह यूपी पुलिस के सेवानिवृत्त सब इंस्पेक्टर हैं। उनकी मां गृहिणी है। भुवि की एक बहन भी है, रेखा अधाना। वास्तव में उनके पिता ने ही उन्हें क्रिकेट में अपना करियर के लिए सपोर्ट किया। उतार चढ़ाव के बावजूद उनके पिता हमेशा उनके साथ हमेशा खड़े रहे हैं। बचपन से ही उन्हें क्रिकेट में रुचि हो गई और 10 साल की उम्र में उन्होंने एमेच्योर लीग टूर्नामेंट खेलना शुरू कर दिया, जो टेनिस गेंदों से खेला जाता था। 13 साल की उम्र में उन्होंने मेरठ में संजय रस्तोगी की भामाशाह क्रिकेट अकादमी में शामिल होकर क्रिकेट की दुनिया में अपना पहला कदम रखा। साल 2017 में भुवनेश्वर ने नोएडा बेस्ड इंजीनियर नुपुर नागर से शादी की। उनके शादी समारोह में क्रिकेट इंडस्ट्री के विभिन्न सितारों ने शिरकत की। 24 नवंबर 2021 को उन्हें एक बच्ची का आशीर्वाद मिला। भुवनेश्वर ने 17 साल की उम्र में बंगाल के खिलाफ प्रथम श्रेणी क्रिकेट में डेब्यू किया। उत्तर प्रदेश के लिए खेलने के अलावा वह दलीप ट्रॉफी में मध्य क्षेत्र के लिए भी खेल चुके हैं। साल 2008-2009 के रणजी सीजन के फाइनल में उन्होंने सचिन तेंदुलकर को प्रथम श्रेणी क्रिकेट में अपने पहले डक के लिए आउट किया। आईपीएल का 2018 और 2019 के सीजन में उन्होंने क्रमशः 9 विकेट और 13 विकेट लिए। साल 2020 में 4 शुरुआती मैच खेलने के बाद भुवनेश्वर कुमार जांघ की मांसपेशियों की चोट के कारण आईपीएल के बाकी मैचों से बाहर हो गए थे। उन्होंने 2021 के आईपीएल सीजन में वापसी की, जिसमें वह 11 मैचों में केवल 6 विकेट लेने में सफल रहे। और आईपीएल के नवीनतम 2022 संस्करण में भुवनेश्वर ने 14 मैचों में 12 विकेट लिए। भुवनेश्वर कुमार के बारे में सबसे प्रभावशाली बात यह रही है कि ओपनिंग गेंदबाज होने के बाद भी, जो आमतौर पर पावर प्ले के ओवरों में गेंदबाजी करते हैं, उन्होंने 7.30 की कम इकोनॉमी रेट को बनाए रखा है। भुवनेश्वर कुमार ने 2012 में पाकिस्तान के खिलाफ टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू किया और 9 रन देकर 3 विकेट लिए। उनका वनडे डेब्यू कुछ दिनों बाद उसी टीम के खिलाफ हुआ। भुवि ने वनडे क्रिकेट में अपनी पहली ही गेंद पर मोहम्मद हफीज को आउट कर 1 विकेट हासिल किया। भुवि ने अपनी पहली टेस्ट सीरीज के 4 मैचों में 6 विकेट लिए। कुमार को भारतीय टीम के लिए चुना गया था, जिसने 2013 चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी, और उन्हें टूर्नामेंट की आईसीसी टीम के हिस्से के रूप में नामित किया गया था। साल 2014 में वह इंग्लैंड का दौरा करने वाली भारतीय टीम का हिस्सा थे। सीरीज के दौरान वह एक सीरीज में 3 अर्धशतक प्राप्त करने वाले पहले भारतीय नंबर 9 खिलाड़ी बने। उन्होंने लॉर्ड्स में 82 रन देकर 6 विकेट लिए, जो उनके करियर की सर्वश्रेष्ठ टेस्ट गेंदबाजी है। फिटनेस के मुद्दों के कारण कुमार 2015 आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में केवल 1 मैच में ही खेल पाए थे। वह 2017 आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पूरी तरह से फिट होकर टीम ऑफ द टूर्नामेंट में शामिल हुए। विज्ञापन देना 2018 में भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका टी20 श्रृंखला में भुवनेश्वर कुमार ने 7 विकेट लिए, एक विपक्षीय टी20 श्रृंखला में एक भारतीय तेज गेंदबाज द्वारा सबसे अधिक थे। भुवनेश्वर कुमार ने 22 फरवरी 2013 को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉर्डर गावस्कर टेस्ट सीरीज में पदार्पण किया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने टेस्ट डेब्यू में उन्होंने 38 रन बनाए, जो कि डेब्यू पर किसी भारतीय नंबर 10 से सबसे अधिक है। 2014 में भुवनेश्वर ने विदेशी परिस्थितियों में अपनी पहली टेस्ट श्रृंखला खेली। उन्हें इंग्लैंड दौरे के लिए भारतीय टीम में नामित किया गया था। पहली ही पारी में भुवनेश्वर ने इंग्लैंड के बल्लेबाजों को धराशायी कर दिया और अपने 5 विकेट लिए। अगले मैच में उन्होंने 82 रन देकर 6 विकेट लेकर अपने पिछले प्रदर्शन को सर्वश्रेष्ठ बनाया। इंग्लैंड में हरे रंग की डेक के साथ बादल छाए रहने की स्थिति भुवनेश्वर के अनुकूल थी। तीसरे और चौथे मैच में उन्होंने 3 विकेट लिए। श्रृंखला के दौरान वह एक श्रृंखला में 3 अर्धशतक प्राप्त करने वाले पहले भारतीय नंबर 9 खिलाड़ी भी बने। अगले वर्ष चोटों की शुरुआत के कारण उन्हें केवल एक टेस्ट मैच खेलने का मौका मिला, जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी में हुआ था। साल 2016 में भुवनेश्वर ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 5 विकेट लिए। फिर एक महीने बाद उन्होंने इस बार न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 विकेट लिए, लेकिन पीठ की चोट के कारण भुवनेश्वर को न्यूजीलैंड के खिलाफ शेष टेस्ट श्रृंखला के लिए आराम दिया गया था। उनकी आखिरी टेस्ट सीरीज जनवरी 2018 में दक्षिण अफ्रीका में प्रोटियाज के खिलाफ थी। पहले मैच में भुवनेश्वर ने 19 ओवर में 87 रन देकर 4 विकेट लिए और फिर दूसरी पारी में कुछ और विकेट लिए। फिर अपने आखिरी मैच में उन्होंने कुल 4 दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाजों को आउट किया। भुवनेश्वर कुमार का वनडे डेब्यू 30 दिसंबर 2012 को चेन्नई में पाकिस्तान के खिलाफ हुआ था। अपने पदार्पण पर भुवनेश्वर ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 2 विकेट लिए और 9 ओवर में केवल 27 रन दिए। पाकिस्तान के खिलाफ अगले कुछ मैचों में उन्होंने कुल 3 विकेट लिए। उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की एक दिवसीय सीरीज में शामिल किया गया था। उन्होंने पूरी सीरीज में कुल 4 विकेट लिए। उनकी अगली बड़ी सीरीज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आई, जिसमें वे 5 वनडे में केवल 2 विकेट लेने में सफल रहे। 2014 में भी गेंद के साथ उनका प्रदर्शन औसत दर्जे का था, उन्होंने 1 या 2 विकेट लिए। फिटनेस मुद्दों के कारण भुवनेश्वर कुमार 2015 आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में केवल 1 मैच में ही खेल पाए थे। 2015 की दक्षिण अफ्रीका श्रृंखला में भुवनेश्वर ने अपनी वापसी के संकेत दिखाते हुए 23 विकेट लिए। भुवनेश्वर 2017 आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में खेले। उनका अगला बेहतरीन प्रदर्शन श्रीलंका के खिलाफ आया, जब उन्होंने 3 सितंबर 2017 को 42 रन देकर 5 विकेट लिए। फिर कुछ हफ्ते बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भुवनेश्वर ने 9 रन देकर 3 विकेट लिए।
2018 में भुवनेश्वर ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 5 एकदिवसीय मैच खेले जिसमें उन्होंने कुल 2 विकेट लिए। उन्होंने 2018 एशिया कप में औसत दर्जे का प्रदर्शन किया जिसमें उन्होंने 5 मैचों में 6 विकेट लिए। भुवनेश्वर को 2019 विश्व कप के लिए भारतीय टीम में शामिल किया गया था। उन्होंने टूर्नामेंट में 6 मैच खेले और शानदार 10 विकेट लिए और कोविड-19 महामारी के कारण भुवनेश्वर ने 2020 में कोई मैच नहीं खेला। उनकी वापसी इंग्लैंड के खिलाफ हुई थी। उन्होंने 3 मैचों में 6 विकेट लिए। उनकी आखिरी सीरीज जनवरी 2022 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आई थी जिसमें वे दोनों मैचों में बिना विकेट लिए हुए थे। भुवनेश्वर कुमार ने 25 दिसंबर 2012 को पाकिस्तान के खिलाफ अपना T20 डेब्यू किया। अपने पहले ही मैच में उन्होंने 3 विनाशकारी पाकिस्तानी बल्लेबाजों को आउट किया और 4 ओवरों में केवल 9 रन दिए। उन्होंने 2013 में केवल 1 मैच खेला था जिसमें उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 35 रन देकर 3 विकेट लिए थे। भुवनेश्वर फिर से फिट होने के बाद 2014 T20 वर्ल्ड कप में खेले। हालांकि उन्होंने 6 मैचों में केवल 4 विकेट लिए लेकिन उनका इकोनॉमी रेट निचले स्तर पर था। इसके बाद उन्होंने 2015 में 4 मैच खेले। अधिक समय तक क्रिकेट सर्किट से बाहर रहने के कारण उन्होंने केवल 2 विकेट लेकर उन मैचों में प्रदर्शन करने के लिए संघर्ष किया। साल 2016 में उन्होंने एशिया कप में केवल 1 मैच खेला जिसमें UAE के खिलाफ 8 रन देकर 2 विकेट लिए। उन्हें 2016 T20 विश्व कप के लिए भारतीय टीम में भी शामिल किया गया था लेकिन उन्हें 1 भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला। फरवरी 2018 में भुवनेश्वर ने दक्षिण अफ्रीका में प्रोटियाज के खिलाफ 3 T20 खेले। भुवनेश्वर ने पहले मैच में शानदार प्रदर्शन करते हुए पहले मैच में 24 रन देकर 5 विकेट लिए। फिर उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक दूर श्रृंखला में खेला जिसमें उनका औसत प्रदर्शन था। 2019 में भुवनेश्वर को 1-2 सीरीज के लिए प्लेइंग 11 में शामिल किया गया था। न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्होंने 3 मैचों में 3 विकेट लिए। जब कोविड-19 महामारी के बाद क्रिकेट मैच फिर से शुरू हुए तो भुवनेश्वर ने इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की श्रृंखला में अपनी T20 वापसी की। उन्होंने 4 विकेट चटकाए जिनमें से 3 जोस बटलर के थे। हाल ही में जून 2022 में भुवनेश्वर कुमार ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ एक T20 मैच में 13 रन देकर 4 विकेट लिए थे। उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ कुछ T20 मैचों में भी भाग लिया जिसमें उन्होंने 4 विकेट लिए और भारत की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साल 2022 एशिया कप में भुवनेश्वर ने शानदार प्रदर्शन किया था। पाकिस्तान के खिलाफ शुरुआती मैच में उन्होंने 26 रन देकर 4 विकेट लिए और अफगानिस्तान के खिलाफ टूर्नामेंट के फाइनल मैच में उन्होंने अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी के आंकड़े को महज 4 रन देकर 5 विकेट हासिल कर लिया। टेस्ट, वनडे और T20 मैच में अपना पहला विकेट लेने के लिए बल्लेबाज को आउट कर दिया है। प्रथम श्रेणी क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर को 0 पर आउट करने वाले एकमात्र गेंदबाज। 2014 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ एक T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में 3 ओवर में 3 रन देकर सबसे किफायती आंकड़े का रिकॉर्ड। 2015 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारत में 3 ओवर में 3 रन देकर दूसरे सबसे महंगे वनडे स्पेल का रिकॉर्ड। IPL 10 में 26 विकेट लिए और उस IPL सीजन में सर्वाधिक विकेट लेने के लिए पर्पल कैप जीता। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी ही रोचक वीडियो लगातार मिलती रहें।